हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो चलिए आज हम कुछ अच्छा सा टेस्टी सा स्नैक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेड और आलू का एक टेस्टी सा स्नैक्स, जो बहुत जल्द बन जाता है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान भी है और ये टेस्टी बहुत लगता है। तो इवनिंग स्नैक्स में भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 छोटे साइज के बॉइल्ड आलू। अब इसके बाद हम इसे कर लेंगे अच्छे से मैश। तो गाइज, हमारे आलू जो है बहुत ही अच्छे से मैश हो गए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड की 4 स्लाइसेस। अब यहाँ पर ब्रेड को हम अच्छे तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। और यहाँ पर जो हमने आलू को मैश किया था उसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कट किया प्याज, बारीक कट किया शिमला मिर्च और इसमें डालेंगे बारीक कट किया हरा धनिया और हरी मिर्च। इन सब चीज़ों के बाद इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें आमचूर पाउडर और डालेंगे इसे 1 टीस्पून गरम मसाला और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके बाद हम इसे कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स। हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा ब्रेड और आलू है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइज, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसे हम मिक्स करने के बाद इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब इसका हम बना लेंगे रोल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से छोटी सी बॉल लें और बॉल लेने के बाद इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। आप इसको दूसरे शेप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से रोल बना लिया है। इसी तरीके से हम सारे रोल्स बना के रेडी कर लेंगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि हमारे सारे रोल्स जो है बन के रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया कुरकुरे। आप यहाँ पर चिप्स भी ले सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं। दरदरा से इसको पीस लिया है। अब इसके बाद इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और यहाँ पर बनाया मैंने कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया। इस तरीके से हम रोल को कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करेंगे और डिप करने के बाद कुरकुरे का जो हमने क्रश किया था उससे पूरी तरीके से अच्छे से कोट कर देंगे। तो गाइज, ये बहुत ज़्यादा फ्राई होने के बाद क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरीके से हम सारे रोल्स को कोट कर देंगे। तो हमारे सारे रोल्स जो हैं वो कोट हो गए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे रेस्ट करने के लिए ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक पैन में ऑयल और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। मैंने इसे 5 मिनट बाद फ्रिज से निकाल लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं। अब चलिए इन्हें कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पर एक एक करके मैं सारे रोल्स को इसमें डाल दूंगी और डालने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि फ्राई हो गए हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये हमारे जो रोल्स हैं वो फ्राई हो गए। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो पोटैटो रोल्स जो बचे हुए हैं उनको भी फटाफट से फ्राई कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे रोल्स जो है बन के रेडी हो गए, कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। तो चलिए, आप इसे किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही जल्दी बन जाते हैं और ये इवनिंग स्नैक्स के लिए भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो गाइज, ये रोल्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।